जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की जो वीडियो है वो अस्मा डोल की वायरल टिकटॉक स्किन पॉलिश के ऊपर है, उसकी गोल्डन स्किन पॉलिश, उसकी पिंक स्किन पॉलिश। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सामान मंगवाया था, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके रिव्यू के, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। चलिए सबसे पहले आपको सामान दिखा देती हूँ जो जो मैंने मंगवाया था। आपने अगर व्लॉग में नहीं देखा, मैंने अनबॉक्सिंग की थी इसकी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्लिप पहले वो देख लें, उसके बाद हम चलते हैं अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ से। तीन चार डिफरेंट लोगों पे मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी, और हाथों पे नहीं, फेस पे भी टेस्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि हाथों पर रिजल्ट डिफरेंट होता है, फेस पर रिजल्ट डिफरेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट मैंने क्या क्या मंगवाया। ओके भाई, तो ये वो बॉक्स था जिसमें मुझे सामान रिसीव हुआ, साथ में एक पेपर भी था जिसमें इसका मेथड लिखा हुआ था कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी उसमें था इनका गोल्डन फेशियल, गोल्डन पॉलिश भी थी, और इसके अलावा पिंक पॉलिश थी इनकी, उसके अलावा इनका एक शैम्पू था जो काफ़ी वायरल हुआ था, आपको नज़र आ रहा है पिंक बॉटल के अंदर वो, फिर सूदिंग लोशन, शाइनर, और ये सोप था और हेयर ऑयल था, और उसके बाद इनके थे जो सीरम, जो वाइटनिंग सीरम है इनके वो। ठीक है, तो चीजें जो है मैंने निकाल के रख ली हैं, ये देखें। पहले जो है वो मैंने पॉलिश जो है वो अपने तरीके से बनाई, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने ब्रांड को कॉल की, मैंने कभी बाद में ना, अक्सर ब्रांड ऐसा होता है जब मैं उनका रिव्यू करती हूँ ना, तो मुझे बाद में बोलते हैं आपको तो बनाना ही नहीं आया, आपको तो बनानी ही नहीं आई, तो रिजल्ट कैसे देती। तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ, मैंने फोन करके पूछा कि भाई किस तरीके से बनानी है, उन्होंने जो मेथड बताया, मैंने कहा जैसे आप बनाती हैं और आपको रिजल्ट मिलता है मुझे वो तरीका बताया, मैं वैसे बना के दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया, मैं उस तरीके से बनाने लगी हूँ। हमारे पास है ये इनका गोल्ड पाउडर, फिर ये है हमारे पास इनका पिंक पाउडर और डेवलपर। ठीक है, अब मैं आधा चम्मच जो है वो ये पिंक पाउडर लूंगी, जो है वो शॉपर से निकाल के इसमें डाल लिया। अब आप देखें इसका कलर जो है वो बिल्कुल पिंक है। ठीक है, अब इसको जो है मैं डालने लगी हूँ, आधा चम्मच लेना है। ठीक है, ये आधा चम्मच हमने लिया और इसको मैंने डाल दिया बाउल के अंदर, ये जो हमने यहाँ पर रखा हुआ अपने पास। ठीक है, इनका गोल्डन पाउडर है हाफ स्पून हमने इनका लेना है। सब प्रोडक्ट के ऊपर ना टैपिंग हुई हुई थी जो मैंने खोल ली है, इसको भी मैं शॉपर से निकाल के जो है वो इसके अंदर डाल लेती हूँ ताकि मुझे यूज करने में आसानी हो। ठीक है, तो शॉपर से ही ले लेती हूँ ऐसे। इसका कलर भी दिखा देती हूँ, इसका कलर भी ऐसा ही है जैसे गोल्डन सा कलर है, इसका मैं आपको दिखाती हुई है। अब इसको मैं डालने लगी हूँ हाफ स्पून इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से शाइनी पार्टिकल्स भी हैं, मैं आपको इसको हाथ की बैक साइड पे चेक करवाती हूँ। शाइनी से पार्टिकल भी हैं, नजर आया आपको, कुछ चीज़ शाइन कर रही है इसके अंदर से, कुछ शाइनी सा भी मिलाया हुआ। खैर ठीक है, ये लोग जो है वो सूदिंग या शाइनर जो है वो मिलाते ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल जो है वो गोल्डन पाउडर, पिंक पाउडर और उसके अंदर डेवलपर डाल देते हैं। ठीक है, डेवलपर हमने डालना है डबल क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में हमने पाउडर लिया है उससे डबल क्वांटिटी में हमने लेना है डेवलपर। ठीक, ये डबल क्वांटिटी में डेवलपर। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगी पॉलिश आपको पता है रिजल्ट नहीं देती, ये तो एक कॉमन सी बात है। इसके अंदर जो है कुछ ड्रॉप जो है इसके भी डाल रही है, जिनका वाइटनिंग सीरम है, जो मैंने देखा अक्सर वीडियो में वो डालती है इसको भी, ये भी बहुत विस्कस है, ये निकल आया। ठीक है, ये मैंने डाल लिया है इसके अंदर, ये भी काफी विस्कस है, आपको नजर आ रहा है गाढ़ी है तो ड्रॉपर से निकल नहीं रहा आराम से। ये जो आया हाथ में ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ ऐसे। तो ये देख लें हमारी इतनी क्वांटिटी बन गई है, क्योंकि तीन लड़कियां हैं, तीनों के हाथ में टेस्ट कर लेंगे इसको। अब इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कपड़ों से दूर किया हुआ है कि नया ड्रेस पहना हुआ इसमें ना लग जाए। जी पॉलिश जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी, हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इसके बाद जी हमने एप्लीकेशन शुरू करी, एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हाथों को अच्छे से धुलवा लिया मैंने तीनों लड़कियों के। अब आप एप्लीकेशन देख लें, मैं पेचिस की फॉर्म में कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए, जैसे आसमा डोल करती है टिकटॉक पर। ठीक है, अब ये दूसरी लड़की का हाथ है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर भी लगाया है ताकि देखें हाथ के ऊपर कैसा रिजल्ट आ रहा है। और जो तीसरी लड़की थी उसको मैंने नकल्स पर भी लगाया था, क्योंकि उसके नकल्स बहुत डार्क हुए थे, घरों में कब काम वगैरह करती हैं, सफाई वगैरह करती हैं, तो आप देखें हाथ कितने खराब हुए हैं, टैनिंग भी हुई है हाथ पे, हाथ जो है वो डार्क भी हुए में डिस्कलरेशन भी है, तो इस पे सही पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जी 15 मिनट जो है मैंने वेट किया, अब यहाँ पे 15 मिनट्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। मैंने बाउल भी रख लिया था पानी वाला और स्पंज भी पास रख लिया था। ठीक है, अब सबसे पहले जिस लड़की को मैंने लगाया था मैं उसके हाथ से रिमूव कर रही हूँ इसको। अब आप देखें रिजल्ट आपके सामने है। प्लस पॉइंट ये था कि जो ब्लीच है या स्किन पॉलिश है उसने सारे बालों को कलर कर दिया, हालांकि काफ़ी डार्क हेयर्स थे आपको नजर भी आ रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि इरिटेशन नहीं हुई और इचिंग नहीं हुई तीनों में से किसी को भी। एक के हाथ पर कट लगा हुआ था और उसको उस जगह पर लग रही थी स्किन पॉलिश, और जब मैंने जब रिमूव किया वहां से, जब पूरा टाइम हो गया उसके बाद, क्योंकि मैं मिक्स करती रही कि उसको लगे ना उस जगह पे, लेकिन जब बाद में मैंने रिमूव किया ये देखने के लिए कि रेश तो नहीं बना उसको, तो उसको कोई रेश नहीं बना था, आप लोग खुद भी देख लेना। ठीक है, अब इसके मैंने पूरे हाथ से रिमूव कर दी है, और पैचेज में लगाने का यही फायदा होता है कि आपको डिफरेंस जो होता है वो साफ नजर आ जाता है। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा जहां पर लगाई है वो वाला एरिया और जहां पर नहीं लगाई वो वाला एरिया। अब ये दूसरी लड़की के हाथ से मैं रिमूव कर रही हूँ, इसके हाथ पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी जो स्किन थी उस पर डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन ज्यादा थी इस वजह से।
अब आप देखें यहाँ पे जो मैंने इसको पैचेस भी काफ़ी बड़े बड़े लगाए थे और मैंने इसको हाथ के ऊपर भी लगाया था कि देखते हैं हाथ के ऊपर कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो बाजू पे तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हाथ पे कैसा रिजल्ट दे रहा है ये स्किन पॉलिश, तो आपके सामने है रिजल्ट। अब अच्छे से सारा जो है इसका हाथ में नीट एंड क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट वगैरह इसके कैसे हैं, ठीक है। अब आप देखें जहाँ पे लगी हुई थी वो वाले पैचेस और जहाँ पे नहीं लगी थी वो वाले पैचेस। अब इसके जो है मैंने नकल्स पे भी लगाई थी ब्लीच, आपको याद होगा क्योंकि इसके नकल्स काफ़ी डार्क थे। लगाई भी सबसे लास्ट में थी, इनको 15 मिनट्स नहीं हुए थे, इनको हुए थे जी 10 मिनट्स। ओके भाई, तो मैंने भी जो है देखें पूरे हाथ पर लगाया, लेकिन एक पर लगाया है एक हाथ पर नहीं लगाया, और 15 मिनट्स बाद जो है मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इसके, ठीक है। तो ये देखिए पानी और स्पंज मैंने अपने पास रख लिया है, ठीक है। इसको 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको रिमूव करने लगी हूँ। रिमूव करने के बाद जो है आपको दोनों हाथों में डिफरेंस दिखाऊंगी कि क्या है। ये देखें जी, ये हम इसको पूरे को अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, इसे करती हूँ वॉश कर आती हूँ वॉशरूम में जाके, ठीक है। ओके जी, तो देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब आप इस हाथ पर डिफरेंस देख लें नकल्स पे, और आपको पता नहीं मुझे अभी कैमरे में सही से नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एक हाथ लाइट लग रहा है और दूसरा हाथ डार्क लग रहा है या नहीं लग रहा। बाकी बाल भी अच्छे से जो है वो मेरे पॉलिश हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं बाल, कोई इचिंग कोई इरिटेशन मुझे नहीं हुई। वरना मैं कोई और ब्लीच जो है ना वो हाथ पे नहीं लगा सकती, मुझे उसमें सूदिंग मिक्स करनी पड़ती है। इसमें मैंने सूदिंग शाइनर कुछ भी मिक्स नहीं किया था, डेवलपर भी अच्छा खासा ज़्यादा था, जैसे वो डालती हैं हाफ स्पून गोल्ड पॉलिश हाफ स्पून पिंक पॉलिश और डबल क्वांटिटी में डेवलपर, लेकिन मुझे इतनी सी इचिंग नहीं हुई। अगर इचिंग होती तो दाने और रेशेज आपको नजर आ जाते हैं साफ, और आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ फेस पे भी लगा लूँ इसको, आप लोग क्या कहते हो, क्योंकि फेस पे मैंने इसका रिव्यू नहीं देखा कि कैसा है, फेस पे कोई रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी। चलो इसको ना मैं बाल भी से करती हूँ अच्छे से, इसको फेस पे लगा के चेक करते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे स्किन पॉलिश को फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया, पहले मैंने सूदिंग लोशन से प्रोटेक्शन लेयर लगाई है, जो इन्हीं का सूदिंग लोशन था वो लगा के मैंने पहले अपने सॉफ्ट एरिया पे लगा लिया था, जैसे कि चीक्स वाला एरिया और जो मेरे एरिया पे मुझे पता है रेशेज बनते हैं वो वाले एरिया पे। फिर बालों वाले एरिया पे मैंने सूदिंग लोशन को नहीं लगाया था, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगाई है स्किन पॉलिश, थोड़ी सी थिक लगाई है आपको नजर आ रहा है अपर लिप्स पे और कानों वाले एरिया पे। अब इसको अप्लाई करते हैं और 15 मिनट्स वेट करते हैं, जब रिमूव करूंगी तो रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पे जो बच्ची आए ना वो मेरे घर से जो है वो एक और आंटी के घर गई थी, तो मैंने कहा था वापसी पे मुझे हाथ दिखा के जाना कि रिजल्ट कैसा है, तो ये वापसी पे मेरे पास आई है, तो मैंने इनका क्लिप रिकॉर्ड किया है गैराज में ही। अब आप देखें कि इनका रिजल्ट जो है वो किस तरीके का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने फेस पे लगाई थी स्किन पॉलिश, उसको मैंने गीले हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने डार्क सर्कल वाले एरिया पे चीक्स वाले एरिया पे नहीं लगाई थी, क्योंकि वो मेरा सॉफ्ट एरिया है। मैं स्किन पॉलिश या ब्लीच जो है ना वो पहले बालों पे लगाती हूँ, बाद में मिक्स करती हूँ बाकी फेस पे, ताकि पूरा फेस जो है वो एक जैसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्किन पॉलिश का पर्पस होता है आपके बालों को कलर करना। अब यहाँ पे जो है मैं इसको रिमूव करने लगी हुई स्पंज की मदद से, आप देख लें बाल जो है वो अच्छे से कलर हो गए हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी इसीलिए कि आपको कान वाले एरिया से सही नजर आएगा कि बाल जो है वो अच्छे से कलर हो गए हैं। जो आपकी जो चीक बोन के ऊपर बाल होते हैं ना छोटे छोटे से, वो भी जो अपर लिप्स बाल होते हैं वो भी सारे जो है वो अच्छे से कलर हो गए हैं। मैं स्पंज से पहले रिमूव कर रही हूँ इसको ऑन कैमरा, और आपको जो डिफरेंस है वो फॉरहेड पर ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा। आपको मैं क्लोज से दिखा रही हूँ कि बाल देखें अच्छे से कलर हो गए हैं। अब मैं फॉरहेड पे आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट इसका। आप देखें यहाँ पे बकायदा जो राउंड सी हेयर लाइन होती है ना मेरी, वो बन गई और आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा फौरन से। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, ठीक है। इसने मेरे सारे बाल जो है अच्छे से कलर कर दिए हैं। हाथ का रिजल्ट अभी तक एज इट इज ही है, और जो दूसरी लड़कियों को मैंने लगाया था मैंने उनका भी दिखा दिया है कि कुछ देर बाद उनके हाथों का रिजल्ट था वो कैसा था। इसके अंदर हमने कोई बूस्टर कोई शाइनर कोई स्किन पॉलिशर नहीं मिलाया था, सिंपल डिवेलपर था, पिंक पॉलिश थी और हमारा था इसके अंदर व्हाइटनिंग सीरम। इन तीन चीजों से ये रिजल्ट आपके सामने है। मेरी नजर में इस स्किन पॉलिश का रिजल्ट ऐसा है जो किसी भी अच्छी स्किन पॉलिश का होता है, जैसे कि वेला मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसका रिजल्ट सेम ऐसा है। रिजल्ट मुझे इसका काफी पसंद आया क्योंकि इसके अंदर पिंक पॉलिश एड है, तो पिंक पॉलिश जो है ना वो वाकई में ही पिगमेंटेशन को लाइट करती है, क्योंकि मैंने खुद यूज की हुई है सैलून में और मैं उसका खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैंने उसको 7 साल सैलून में यूज किया था पिंक पॉलिश को, और मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया भी था कि जिन लोगों के फेस पे फ्रेकल है वो पिंक पॉलिश यूज करें, जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है जिनके फेस पे जो है वो टैनिंग है वो पिंक पॉलिश यूज करें। ये जो पिंक पॉलिश है आपकी इन चीजों को लाइट करने में मदद करती है, और मैंने खुद ये चीज यूज की। अक्सर लोग जो है वो ब्लीच को रिकमेंड नहीं करते, मेरी मजबूरी है मेरे फेस पे बाल है और मेरे बाल ऐसे हैं जो लेजर से भी नहीं जा सकते, मतलब मेरा बाल बहुत छोटा बाल है और ऐसे बालों के लिए लेजर भी जो है वो मुफीद नहीं होता, लेजर से ऐसे बाल ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है इनको हाइड करने के लिए, मैं इनको ब्लीच कर लूं, तो मैं सिर्फ ब्लीच को अपने फेशियल हेयर को कलर करने के लिए यूज करती हूँ, जो ब्लीच का पर्पस होता है, ठीक है। जो लोग यूज नहीं करना चाहते वो नहीं यूज करें, और इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, इसको यूज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, क्योंकि मुझे यूज करते हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं और आपके सामने है मेरी स्किन, ठीक है। जो मुझे इसकी चीजें अच्छी नहीं लगी ना वो ये है कि मुझे इसकी पैकिंग अच्छी नहीं लगी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर इसकी पैकिंग अच्छी करें तो ये और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे हर चीज में रिजल्ट अच्छे दिए हैं, मुझे सिर्फ पैकिंग, मुझे किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं लगी। सूदिंग लोशन जो था वो निकल नहीं रहा था,
बोतल से, फिर वो मैंने उसको खोल के निकाला और बाकी चीज़ों के ढक्कन उतार रहे थे नीचे से, मतलब पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और तीसरी चीज़ ये थी कि प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अभी तो शुक्र है इन्होंने आज़ादी सेल लगाई हुई थी तो मैंने भी आज़ादी सेल में बाय करे हैं। ऑनर इस ब्रांड की वो बहुत अच्छी है, मैंने ये चीज़ें उनको वॉइस मैसेजेस में बताई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी भी, मुझे उन्होंने उल्टा सीधा भी नहीं कहा, वरना मैंने जितने भी ब्रांड्स के बारे में कोई ना कोई खामी निकाली जब उनके प्रोडक्ट में काफ़ी ऐसे फेमस ब्रांड हैं, तो उन्होंने मुझे बाद में इतनी बातें सुनाई, मुझे धमकियाँ भी दी, मुझे भी बोला आपने व्यूज़ के लिए किया ये वो, मतलब मैंने बोला भाई एक चीज़ जो कैमरे पर नजर आ रही है लोगों को वो मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ, जब मैं उनको बता रही हूँ कि भाई इस ब्लीच ने मेरा फेस पर रैशेज कर दिया, उनको कैमरे पर नजर आ रहा है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ मुझे नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बोला हम आपकी जो सजेशन है उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि नताशा वकास है, तो मैंने कहा जी मुझे चाहिए प्रोडक्ट, मैंने रिव्यू करना है इसका, लेकिन जिसमें मसला होगा मैं वही बताऊंगी, जिसकी अच्छाई होगी मैं वही बताऊंगी, ठीक है। आप लोग बाद में मुझे कंप्लेन मत करना कि आपने ऐसे रिव्यू दिया, आपको बनाना नहीं आया ये, इसलिए जो जो चीजें मुझे पहले बता दो कि ये ऐसे बनता है ऐसे नहीं बनता, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि आपने सही नहीं बनाया। मैं इनकी स्किन पॉलिश के रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे लगे, आप लोगों के सामने ही है, फेस पे भी रिजल्ट देख लें आप लोगों। सबसे जो मेन चीज होती है वो यही होती है कि स्किन पॉलिश जो है वो आपकी स्किन पे रिएक्शन ना करे, तो वो मेरी स्किन पे इसने नहीं किया। बाकी ये है कि इन लोगों का व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल का लिंक और जहां से मैंने ऑर्डर की थी इंस्टाग्राम का पेज, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों ने बाय करना है तो आप लोग जाकर बाय करके खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये था रिव्यू, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।